सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम के दिल्ली से लौटने के बाद सियासत तेज हो गई है। किसी नेता से मुलाकात ना होने पर विपक्ष ने घेरा। मेरा किसी से मिलने का नहीं था कार्यक्रम, सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान दिया। तो सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना वापस लौट चुके हैं और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो दिल्ली गए थे। उनके साथ उनका बेहतर रिश्ता था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही एनडीए का गठन हुआ था और उस समय सहयोगी दलों के साथ बैठक होती थी, लेकिन आज के एनडीए में कोई बैठक कभी नहीं हुई। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तब वो लोग भी बैठक करने लगे। विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि उन लोगों से बराबर बातचीत होती रहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा कि वो फिजूल की बातें कर रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन से बीजेपी के लोग परेशान हो चुके हैं। विरोधी क्या बयान देते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार में आपराधिक घटनाएं अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी कम हैं। और अपने दिल्ली दौरे पर सीएम ने कहा कि इस बार किसी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का कोई शेड्यूल पहले से तय नहीं था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष इसी खबर पर जुड़ गए। उत्कर्ष, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट चुके हैं लेकिन वहां किसी राजनेता से मुलाकात नहीं हो पाई, इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है, क्या समझे इससे? अब बिल्कुल पूजा, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे। दिल्ली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर उन्होंने पुष्प अर्पित भी किया। हालांकि इसके बाद कोई राजनीतिक हलचल नीतीश कुमार के साथ नहीं हुई, यानी कि नीतीश कुमार किसी से मुलाकात नहीं किए। हालांकि दो नेताओं से मुलाकात की बात जरूर चर्चा में थी, जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ राहुल गांधी से मुलाकात की बात जरूर सामने आ रही थी। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि जब दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से भी वक्त मांगते हैं, लेकिन इस बार ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं। केवल नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर गए, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर से मिलने जाना था तो डॉक्टर से मुलाकात हुई, लेकिन इसके अलावा कोई राजनीतिक मुलाकात नीतीश कुमार की नहीं हुई है। यह जरूर माना जा रहा था कि तीसरी बैठक से पहले दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो कई अहम बैठकें हो सकती हैं, कई अहम मुलाकातें हो सकती हैं, क्योंकि तीसरी बैठक में सीट शेयरिंग का मामला सामने आना है और ऐसे में जब चुनाव नज़दीक हो तो नीतीश कुमार के पास बिहार में फिलहाल 16 सांसद हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर भी बातें बननी थी, कई मुद्दे थे, लेकिन नीतीश कुमार किसी से ना तो मुलाकात किए ना ही किसी से वक्त मांगा, सीधा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर गए, डॉक्टर से मुलाकात की और अगले दिन पटना चले आए। कल पटना आते ही उन्होंने अपराध को लेकर भी, जो संजय जायसवाल ने बयान दिया था, उस पर भी कहा कि अन्य राज्यों से अगर तुलना की जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं। तो नीतीश कुमार के साफ बयानों से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें कुछ बातें नहीं बन रही हैं क्या नीतीश कुमार की, क्योंकि लालू यादव और राहुल गांधी की करीबी इन दिनों काफी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी खुद जाकर मुलाकात करते हैं लालू यादव से जब उनकी संसद की सदस्यता मिलती है, तो कई बातें सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये बातें भी साफ है कि नीतीश कुमार ने किसी से मुलाकात नहीं की है और साफ नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरा पहले से ही प्रोग्राम था कि मुझे किसी राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात नहीं करना है, केवल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जो समाधि स्थल है वहां पर जाना है और डॉक्टरों से मुलाकात करनी थी। पूजा, ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच सुनवाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश का क्या कुछ कहना है इस पर, सुनिए उनका ये बयान। डॉक्टर से बात हुई थी तो हमारा जो आंख वाला है तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच उसी के लिए हम गए। कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था उनका अंतिम दिन का जो था तो उसमें हम वहाँ भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम वहीं गए थे, काफी देर वो रहता है ना वहाँ, वहाँ के बाद कहते हैं थोड़ा आराम कर दो ये थे। अरे भाई तो एनडीए का तो नाम ही पड़ा उन्हीं के टाइम में, आप नहीं जानते जब हम लोग सब थे हम लोगों की पार्टी तभी उनका हुआ। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था, 96 में भी जब हम लोग आ गए तो उसमें नामकरण नहीं हुआ था, 99 में नामकरण हुआ, उसी समय उसका नामकरण। कितना अच्छा, कितना मीटिंग होता था बराबर,
लेकिन अब जब हम लोगों के साथ थे तब कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन अब जब नया बनवा दिया गया तब उसके बाद अब इन लोगों को फिर होने लगा कि अब इंडिया। ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की लेकिन समय नहीं मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो आप लोगों के कहाँ छपता कोई बात है, उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम काहे के लिए कुछ पता ही उसको, हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी, तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं, हमारी बातचीत तो होती रहती है, हो ही रहती है, कोई ऐसा कुछ था नहीं। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है, आप देखिए तो बिहार में क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। और कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है, तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, चले में नहीं करेगा क्या करेगा, छोड़िए ना उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था, तो ऐसे ही हम न्यूज देख रहे थे, ऐसा हो रहा, ये सब तो कोई बात ही नहीं थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, इसी को लेकर वो दिल्ली दौरे पर गए थे जहां उनकी मुलाकात केजरीवाल समेत विपक्ष के नेताओं से होनी थी, लेकिन बिना मुलाकात के ही सीएम नीतीश कुमार लौट आए। अब इसी को लेकर बिहार बीजेपी के नेता उन पर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किसी राजनीतिक दल ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, उनकी राजनीतिक हैसियत कितनी रह गई है ये गठबंधन के लोग अब जान चुके हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष एनडीए को घेरने में लगी हुई है। किसी ने टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को, नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए हों, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। अटल जी के रहते जिस तरह से एनडीए में उनको सम्मान मिला, मुख्यमंत्री बने, तो अटल जी तो सामान्य व्यक्ति थे, उनका सम्मान नीतीश जी को जरूर करना चाहिए और उन्होंने किया है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद भी है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उनको संयोजक बना दे जो एनडीए गठबंधन है जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि इनकी लाज बचेगी। लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना पलटी मारेंगे, बार बार पलटी मारेंगे, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इसलिए दिल्ली भाग रहे, दूसरे स्टेट भाग रहे, यही स्थिति इनकी है। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के एक मजबूत धड़ा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में देश में एक हैं, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी। दिल्ली गए हुए थे तो एक पंथ दुकाज हो गया, अब अटल जी का याद करते हुए, अटल जी को याद करते हुए समाधि पर जाकर के पुष्प भी अर्पित कर लिए, इसको अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, एक ही नज़रिया है, उनके साथ वो काम किए। अरे जो सम्मानित जो माननीय मुख्यमंत्री का आदर्श थे उसको आदर्श के लिए वहाँ गए, समाधि पर पुष्प अर्पित किए, और बीजेपी वाले समझ ले जो अनर्गल बयान देते हैं इससे काम ताम चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है देश को। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है, और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं, और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी ही,